अरे मेरा फुल पैंट किधर रखी है वो? आए? फुल पैंट अंदर है ना, अच्छे से देखो। तेरा एक मिनट काम ढंग का नहीं रहता, किधर रखी तो? अरे ले सही बताना यार। तो सही तो बता रही, गोदरेज में जाके देखो ना। और ले जल्दी जल्दी कर, मशीन बन जाऊं क्या? घुसुड़ घुसुड़ करते रहती तू, मशीन बनने कुछ भी बन, जल्दी कर। पर मेरे पीछे मत लगा करो, बता रही हूँ। अरे साली तुम लोगों का 10 बार में सिंगारा ही नहीं होता। क्या बताओ ना क्या नहीं। वाओ, बुड्ढे के पास तो बड़ी बड़ी गिड्डी दिख रही है। 20-20 के नोट होंगे जी। नहीं है ना, यह मोटी मोटी गिड्डी देखना अच्छे से। हाँ तो होगी, लेकिन 20-20 के होंगे, कौन सा ज्यादा रहते हैं। अरे गोविंद, गोविंद सुन रहे? हाँ बाबूजी। मेरे को भी बुलाए बाबूजी। तेरे को कहाँ बुलाए बाबूजी ने? अरे क्या बात है, आज तो दोनों के मुंह से मेरा फूल जल रहा है। अरे तो हर दिन ताव दुर्रे से बात करेंगे क्या का? तेरे को भी इज्जत हजम नहीं होती बाबू। oh, no. कैसे बोलते हो जी बाबूजी को? मैं तो हमेशा बाबूजी बोलती हूँ, क्यों बाबूजी? हाँ हाँ सब पता है कौन क्या बोलता है, गाढ़ा मस्का मत लगाओ। ये पैसे पकड़ो और अपने लिए कपड़े और ये लिस्ट कहाँ है? अरे अभी एक लिस्ट देता हूँ, पूजा का सामान भी लेके आना। हाँ बाबू, तेरे लिए भी झमाझम कुर्ता ला दूंगा। अरे मेरे लिए कुछ मत लाना बे, मेरे को जरूरत नहीं है। अरे तेरे को अभी बहुत काम आने वाला है, और एक बार नहीं दो दो बार। कहाँ बे? अरे एक तो दिवाली का त्योहार और दूसरा इससे बड़ा त्योहार है 17 नवंबर को। काय का बे? लोकतंत्र का महाकुंभ जो 5 साल में एक बार आता है बाबू। जब तू वहाँ जाएगा ना वोट डालने, सबसे अलग तेरी झलक मालूम, वो कुर्ते में झमाझम दिखेगा सबसे, आप तेरे तरफ देखेंगे मालूम। ठीक है तो ला लेना, पर ज्यादा महंगी नहीं लाना। और वो सोनिया बाबे के लिए? अरे वो बटे 3,000 रूपए लेके चले गए कपड़े और फटाके लेने के लिए, और क्या मालूम क्या क्या लेके आते, तुम जाओ जल्दी जल्दी आना है। ठीक है तो हम जा रहे हैं। है? अरे ले ना, चलाओ ना। अरे क्या खाइए, मार वजन हो गया ना, चलाओ चलाओ। अरे तो जो तुम खाते हो वही तो खाती हूँ मैं भी। अच्छा पिंकी, ये बंदी में अगर धोखे से अपनी साइकिल चले जाए तो क्या होगा अपने साथ? ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ। कुछ नहीं होता, घर से हाथ पाँव छिलाएंगे अगर टूट जाएंगे। हाथ धो हो गए। हाँ। ले जाओ। हाँ। जी मजाक कर रही थी ना। वो चैन गिर गई, वो उतर। मजाक से इधर ले जा रहा था तो चैन गिर गई। जल्दी करो जल्दी। सुने माया जा, चैन गिरती थी ना, चैन चढ़ाते चढ़ाते में प्यार हो जाता था। अच्छा पहले समझ रहे हो? हाँ पहले, अभी कुछ नहीं। भैया आज तक भी दिवाली हमारी ऐसी जाएगी? हाँ छोटे, मुझे भी ऐसी लगता है, कर भी क्या सकते हैं। हमारी माँ होती तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करती। हाँ सही बोल रहे तू। बहुत दुख में हैं ये लोग मालूम। अरे राम पिंकी, हमको कोई सामान नहीं खरीदना, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हमको इनके साथ दिवाली मनाना है, आज देख रही इनकी कंडीशन कैसी है बिचारों की। कोई नहीं है बिचारों, मैं भी ना जी, मैं कुछ नहीं लेवाती, मैं भी एक साड़ी में काट लूंगी अभी ये त्योहार। इनके जैसे दुनिया में ना ऐसे कई लोग हैं बेचारे जो बिना दिवाली में फटाके, बिना मिठाई के, बिना कपड़े के गुजारते हैं। आज हमको ऊपर वाले ने मौका दिया है पिंकी, अब बाबू जो बोलेगा जो कहेगा हम सह लेंगे सुन लेंगे, पर आज इनकी मदद करना है हमको। लेकिन बाबूजी कुछ ना बोले जी, मैं मार खा लूंगा, जो मेरे को घर से निकाल देगा तो निकाल दे, पर मैं आज इनको ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। चल इनको घर लेके चलते हैं अपन। बाबूजी अरे मैं संभाल लूंगा, अभी बाबूजी की टेंशन छोड़। बाबूजी तो दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी उनको उठा के लाओ, कभी इधर से लाओ, कभी उधर से लाओ, कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी लगता मुझे। मम्मी होती तो कुछ ना कुछ तो करती हमारे लिए। हमने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है, तुम लोग हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। है अब तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए बे? आए हो सामान बे?
नहीं लाएगा। अरे दोनों को चंगू मंगू, इसीलिए तो नहीं लाए। इसीलिए नहीं लाए मतलब? बाबू पहले तू प्यार से हमारी बात को समझ ले और सुन ले। क्यों पंका, कौन सी बात में? तेरे को मारना होगा तो मार लेना, पीटना होगा तो पीट लेना। पर अरे लेकिन हुआ क्या? तो कौन है तुम लोग यार? इनका कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई नहीं मतलब? माँ थी तो खत्म हो गई है। हाँ। और बाप है तो oh, no! बड़े रो रहे थे बाबूजी दोनों। बड़े रो रहे थे मतलब? अरे हम जा रहे थे सामान लेने। हाँ। तो रस्ते में साइकिल की गिर गई चैन, तो मैं चैन चढ़ा रहा था तो ये एक जगह पार के आड़ में ऐसे बैठ के दोनों भाई भाई बोल रहे थे कि हमारी दिवाली ऐसी रहेगी क्या भैया, हम कभी खुशियां नहीं मना पाएंगे क्या, नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे क्या। तो मेरे को इनका दर्द देखा नहीं गया, तो मैंने कहा बाबूजी मारे या पीटे या जो भी करे, हमको नहीं लेना है सामान, हम नहीं पहनेंगे नए कपड़े। मेरे को इनकी दया आई तो मैंने कहा इनको घर लेके चलते और सब साथ में दिवाली मनाएंगे करके मैंने ला ली। अरे वाह बेटा, मान गया रे। अरे आओ तेरे को भी शाबाशी, जीते रहे बाबू। बाबू अच्छा किया ना। अरे ये तो तूने एक नंबर काम किया यार, ये है मेरे संस्कार। वो दोनों नारू कारू पांडे वो लोग पटाखे लाएंगे, सब मिलके फोड़ेंगे बेटा, तुम लोग चिंता मत करना रे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और दे दिया हमको भगवान ने। और आप टेंशन नहीं लेना। हाँ। आप लोग हमारे साथ ही दिवाली मनाओगे। हाँ। और जब तक तुम लोग को यहाँ रहना, तब तक रहना, यही रहना, बढ़िया खाएंगे पिएंगे तो जैसा हम लोग खाएंगे पिएंगे वैसे आप लोग। पूजा पाठ का तो सामान लाना था बे। अरे तो टेंशन में नहीं गाएगा तो आप इसको यहीं पर रहेंगे, और तू इनमें से एक हाथ को लेके जा पूजा पाठ का सामान लेके आना है। इसको थोड़ा हाथ पैर धुलवा के चक्का चक्कर आ लेता हूं। चक्का चक्कर। और सुन रहे हो दोस्तों, सुनो, दिवाली में खुशियां अकेले नहीं बांटना है, सबके साथ मिलके बांटना है। हाँ। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी।